गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। तो सुबह ही सुबह निकलना पड़ रहा है भाई, मतलब सुबह ही सुबह नहीं, 9:30 बजे निकलना पड़ रहा है। तो यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब हैं, इसलिए इधर की साइड से और टाइम लगेगा घर जाने में, तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, इसलिए सुबह ही निकल रहे हैं, वरना शाम को निकलते घूम घूम के। तो यहाँ से जाते हुए फिर चंडीगढ़ भी जाना है, चंडीगढ़ से फिर घर भी जाना है, तो टाइम लग जाएगा काफ़ी, तो इसलिए निकल रहे हैं अब। और मैं आपको एक बार सामने का व्यू दिखा देता हूँ अपने। ये देखो, ये नॉर्मल है, ज़्यादा वैसा नहीं है, बट ये कैफ़े बहुत अच्छा है जहाँ पे हम रुके थे ना, मतलब ये होटल बहुत अच्छा है, इन्होंने अपने यहाँ पे टेरेस बना रखा है। ये देखो, बढ़िया है ना। हाँ भाई, घर नहीं चलना, चल जल्दी, चलो भाई, बहुत घूम लिए भाई, अब घर चल रहे हैं, घर की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। कल यू कह रही मम्मी की याद आ रही है, मुझे घर जाना। गाइस, हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए, चंडीगढ़ जा रहे हैं अब। चिराग भाई, अकेला चला जा चंडीगढ़, हम तो गोल्डन टेंपल जा रहे हैं। मतलब हाँ भाई, गोल्डन टेंपल। कान बंद कर लिए, तीते चिल्लाया मैं, दिख गई हो शिकल, दिख गई हो, अरे शिकल दिखा दे। धूप में चश्मा लगाती नहीं है, ऊपर कर रखा है, छाव में चश्मा लगा के चला है। ये लगी है, ये भाभी को छेड़ते हुए रोमांटिक माहौल बनते हुए, बहुत शानदार। गाइस, पिछले 1.5 घंटे से जाम में खड़े हुए हैं, ऐसे के ऐसे ही लोग अपनी गाड़ियां मोड़ मोड़ के वापस जा रहे हैं। हमारा रास्ता यही है, तो हमें इससे ही जाना पड़ेगा। होंडा सिटी वाला तो यूं कह रहा, मैं तो एक दिन इस जाम से बढ़िया एक दिन धर्मशाला और रुक जाऊंगा। पिछले 1.5 घंटे से हम ऐसे ही फंसे पड़े हैं, बताओ, पहाड़ों का यही दिक्कत है। और यही 1.5 घंटा कवर हो जाता ना, तो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं बस। 6 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। क्रिस क्रिस पिक्चर में जो वो नहीं है, देखो वो लौंडे आ गए, जो उसकी ऋतिक रोशन की वो लेके जा मैं रिंग। उतर जा, हाँ मास्क लगा लो जल्दी, इन्हें मास्क दे दो, मास्क दे दो इन्हें, क्रिस के लौंडे आ गए, ले लगा लिया, ले। बहुत शानदार उस्ताद जी, बहुत कैड़ा, बहुत तगड़ा है। सिंगापुर से आया सीधा, भी उसकी ट्रेन का चौक लगी, वो चुरा चुरा के अंगूठी चुरा के। कैमरा देखा यहाँ पे, कहाँ पे? गोप्रो लग रहा था। कहाँ पे? ते तो दांत मर जाएगा। नहीं, ये तो कुछ और। गाइस, हमें यहाँ पे खाना पीना मिलेगा फ्री में, ये देखो, ये हमें फल और वो खिलाएंगे, ले लो भाई। ओ भाई, फल है, फल है, ले लो, ले लो, निकाल लो, करो चिराग भी जल्दी ले लो, वाटर मेलन। जय जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत शानदार। मैंने तो ले लिया अपना फल भाई, बहुत टेस्टी है तुम्हारी कसम, बिल्कुल मीठा, आप खा के देखो, तुम्हारी कसम, झूठ नहीं बोलना, ले लो, ले ले, पानी ता गया, ले लो, ग्रासा मंग लिया, ग्रासा मंग लिया, बोला ग्रासा मंग लिया, बहुत शानदार। चिराग भाई घूट में मार गए सब कुछ। चिराग भाई, चिराग भाई, उठ जाओ, पड़ा रहे कुत्ते की तरह, हमें क्या मतलब। चलो अभी चले ही थे, भूख लगने लगी इतनी देर में, यार वहाँ जाम में देर हो गई हमें। अच्छा चलो ठीक है भाई, खुद का, खुद का, यहाँ तो वो लग रही कैटरिंग शादी वाला, मैं कह रहा था ना मिलेगा बुफे। इस धूप की लक्ष्मण रेखा के आगे नहीं जा पा रहा कोई, सब ऐसे खड़े हैं। चलो अभी तो कितनी गर्मी लग रही होगी। वो सबसे पीछे खड़ी है, बर्फ पड़ने वाली, थोड़ी देर और रुक जा। चलो 1 2 3 ना, ठंड ना है, वो गर्मी ना है। चलो तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं पठानकोट, ये है पठानकोट, अभी जस्ट हम बॉर्डर में घुसे हैं पठानकोट के, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही कम दूरी पे है, ये समझ लो एक घंटे की दूरी पे, अगर हम चलेंगे 1 घंटा तो हम पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, है ना डाकू भाई, पास है ना, कितना दूर है बताना एक बार, मात्र 37 किलोमीटर है यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर, 1 घंटा 7 मिनट। तो मैं सोच रहा हूँ जाके एक बार तमाशा दिखाई आऊँगा, नारे लगाई हूँ अपने जय श्री राम के, बताओ। पर मुझे लेट हो रहा है, वरना तो देखूँगा 2-4 दिन में कभी आऊँगा। दो घंटे तो ज़्यादा पार्टी, तो उससे ज़्यादा।
अभी यहाँ रोड कितनी खराब है, रोड खराब है वही तो, इतनी खराब रोड, इतनी खराब रोड बता नहीं सकते यार। मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, गलती कर दी, पर क्या कहते हैं एक दो महीने बन जाएगी रोड, एक दो महीने बन जाएगी रोड, तुम देख लेना ऐसे ही बनेगी, यही वाली रोड बन जाएगी पक्का। पठानकोट के बाद शुरू होगा थोड़ा ठीक सा रास्ता, हाँ वही हो गया, देख लो पठानकोट के बाद ही हो गया रास्ता, पठानकोट है ही। हाँ हाँ बढ़िया यार, यहाँ भी हिमाचल में मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, जब आए मजा तो, जब जी लगे। भाई देखो ये है क्या कहते हैं यहाँ का स्नाइपर टावर, जो भी पाकिस्तानी उधर से आता कूद के उसकी गांडों पे गोली मार देते हैं, यही की यही उसे ढेर कर देते हैं इस वाले स्नाइपर टावर से, देख सकते हैं आप पबजी में भी आपने देखा होगा। तो कोई भी पाकिस्तानी अगर देख रहा हो तो बिल्कुल जरूरत नगर है हमारे यहाँ आने की हिंदुस्तान में, चूतड़ों पे मैं चलता रहा उस्ताद, देसी कितनी तेज चलाऊं, चूतड़ों पे गोली इतनी तेज लगेगी, इतनी पागल हो गए। एस्थेटिक पंजाबी किड्स, कैंटीन विच की पै गया सी, रोला पै गया सी बुरा गुरप्रीत, याद है तुम दल्ला गुरप्रीत। गाइस ये रोड देख लो कितनी मोहब्बत भरी रोड है, इस पे आशिकी होती है, देख लीजिए आप कितनी बेहतरीन रोड है। पंजाब में बस एक ही काम बढ़िया कर रखा है, केजरीवाल ने रोड बना रखी है, अन्नी बुर्रा 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 ने तो खराब ही कर रखी है रोड। तो गाइस हम फाइनली अटारी बॉर्डर बाघा बॉर्डर आ चुके हैं, अब मुझे कंफ्यूजन है बाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर एक ही है नहीं, पर हम बाघा बॉर्डर आ चुके हैं, बाघा नहीं बाघा, वाघा ही बोल रहा हूँ, मेरी गले में थोड़ी खराश हो गई, वाघा बॉर्डर आ चुके हैं। मैं वहां जाके जय श्री राम के नारे लगाऊंगा और सारे पाकिस्तानियों को ध्वस्त कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा, ध्वस्त। उतर चुके हैं भाई बाघा बॉर्डर पे, अब भाई हमारे झंडा बनाएगा, चलो भाई बना दो, बहुत शानदार भाई कैप। बहुत बढ़िया, जय श्री राम, कैप कितने की है बता चा, 50 का ज्यादा, कोई बात नहीं ले लो, बहुत बढ़िया ले लो, एक उसे दे दी बस ठीक है, ना जी मैंने लगाता हूँ कैप, बहुत बढ़िया लेकर लगा ले, अच्छी लग रही है, हाँ पाकिस्तानी को दिखाएगी नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरती से निकल चुके हैं अपने ऊपर झंडा लगवा कर भारत माता का, हम निकल चुके हैं बागा बॉर्डर की तरफ। चिराग भाई आर यू एक्साइटेड, मैंने हैंडल पहली पकड़ ली है, बहुत बढ़िया, बंदूक लायो अपनी, बम लायो, बमर बंदूक लायो, हथियार पहले पकड़ लिए, बहुत शानदार बहुत शानदार, चलो जल्दी हमें अलग अलग कर दिया सबको, लड़का अलग जाएंगे लड़की अलग जाएंगे, ले आ गई, चलो आ चुके हैं भाई बॉर्डर पे, अभी मेन वो रह गया है गेट जो है, बड़े बड़ा लंबा रास्ता है भाई, थक गए हम तो चलते चलते, गर्मी हो रही है बहुत तगड़ी, ओहो भाई ये है बाघा बॉर्डर की एंट्रेंस बहुत पास, और वो रहा गेट, वो लिखा इंडिया, आपको शोर सुनाई आ रहा हो शायद, एक्साइटेड मत हो पाकिस्तान छोड़ दूंगा मैं ना। बहुत तेज भाग रहे हैं हम, ये देखो भागो तान्या, काफी भीड़ है, हम थोड़ा लेट हो गए तो आगे रास्ता बंद है, इसके आगे नहीं जा सकते, वरना इसके आगे जाते हैं हम, वहाँ पे सामने जो लोग बैठे हैं, शिट भारत माता की जय।
भाई शो हो गया है खत्म, वो परेड जो होती है वो गई खत्म। देखो ये पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान के बहुत ही नजदीक हूँ, मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँ पाकिस्तान। देख सकते हैं आप, ये इस वाले जाल के आगे है पाकिस्तान। वो देखो गेट है ना, वो रहा उधर, मैंने ऊपर से दिखाया था अभी, वही है पाकिस्तान। ट्रेड गेट, इनके गेट का नाम है ट्रेड गेट। ये देख सकते हैं आप, ये है पाकिस्तान। आगे पाकिस्तान के ट्री हैं, वो रे तान्या कह रही थी पाकिस्तान के ट्री, ये है हिंदुस्तानी। देख सकते हैं आप पूरा पाकिस्तान। चल तू चली जा पाकिस्तान, ठीक है, बाय। ठीक है जा, ऐसी कम तैसी करके आएगी, ये देख लो इसे। आजा जीदार, आजा, कभी गोली आवे, आजा आजा। चलो एक बार दिखा देते हैं आपको थोड़ा आगे जाके, इनमें वो होगा करंट, छुइयो मत, अगर होता तो चिड़िया ना मर जाती। वो है पाकिस्तान, उधर की चिड़िया हमारे यहाँ आ रही है। हमारी चिड़िया को वहां भेज दे, वो फिर पैगाम दे देगी। कुछ कहना चाहती है तान्या तुम सबसे? हाँ, कि उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट से इतना फिद्दी सा लग रहा था। वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट ये समझ लो, अगर यहाँ 5,000 लोग हैं तो वहाँ मुश्किल से 1,000 लोग, 500 लोग भी नहीं होंगे, बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा। सलमान भाई तुम्हें तुम्हारी भांजी बुला रही है, चले जाओ। मामा मामा चिल्ला रही है बहुत देर से। चलो भैया अब जाते हैं गोल्डन टेंपल, फिर निकलेंगे सीधा घर, थक गए यार, मेरी लड़ाई भी हो गई अंदर एक चूतिया से, हाल तो बोलने लगा। ये भैया वाला पाकिस्तान है, पाकिस्तान है जी, ये वाकई रूम है पाकिस्तान वाले, हकीकत है। जय श्री राम। ओए अब बोला है मान जा, कूद के तेरा जी लगा दूंगा वरना। सभी मेरे पाकिस्तानी दोस्तों से और क्यूटीज से निवेदन है, आप हिंदुस्तान आए और हमसे मिले। अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल।